सब गैस तो कैसे आप लोग ऐसा करते बहुत बढ़िया बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम कुछ इस प्रकार के हाई क्वालिटी सीवी एडिटिंग लाए हैं। तो आप लोग सीवी एडिटिंग सब कोई कर लेता है, पर जो है क्वालिटी एंड फिनिशिंग कोई नहीं दे पाता। तो इस वीडियो को फुल एंड तक वॉच करिए, आप लोग भी इसी प्रकार का एडिटिंग सीख जाएंगे। एंड क्लियरिटी देख सकते हैं कितना धागड़ क्लियरिटी है, एंड देख सकते हैं फुल फोटो। एंड आप लोग को दिखाते हैं कुछ, देखिए कितना खतरनाक सा है बैकग्राउंड, देखिए फेस देखिए, एंड अब आईज देखिए एंड हेयर देखिए, कुछ आप लोग को इसी प्रकार का सिखाएंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना कि देरी के। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दीजिएगा, और चलते हैं अपने फ़ोटो पे। तो ये रहा हमारा फ़ोटो, इसको आप लोग को डायरेक्ट शेयर करना है अपने स्नैपसीड ऐप में। स्नैपसीड ऐप में आप लोग को कुछ नहीं करना है, यहाँ से आप लोग को लाइट हल्का सा इंक्रीज करके आप लोग को यहाँ से डिटेल्स को हल्का सा इंक्रीज कर देना, ज़्यादा नहीं 12, और शार्पनिंग को भी हल्का सा इंक्रीज कर देना। उसके बाद आप लोग को डायरेक्ट उसको शेयर कर देना अपने एल आर वाले आइकन पे। एंड उसके बाद यहाँ से आप लोग को आ जाएगा, यहाँ पे आप लोगों को आ जाएगा नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन आया नहीं, फिर से हम यहाँ से आप लोग को शेयर कर देते हैं। तो आप लोग को करना कहीं नहीं है, डायरेक्ट आप लोग को एल आर ऐप में ही शेयर करना है। तो एक मिनट वेट, आ गया एल आर ऐप में। तो यहाँ से आप लोगों को करना कुछ नहीं, ये रहा प्रीसेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जाएगा डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसके पहले वाले वीडियो में जो प्रीसेट यूज़ किए वही वाला प्रीसेट यूज़ किए, कुछ अलग नहीं किए। करना कुछ नहीं, ये 3 डॉट आइकन है, इस पर आप लोगों को करना है क्लिक। एंड उसके बाद आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोग को ये कॉपी वाला सेटिंग है इस पर क्लिक कर देना है, एंड सेलेक्ट पे क्लिक कर देना है। एंड अपने फ़ोटो पे ना जस्ट आप लोग को जहाँ जहाँ आप लोग क्लिक किए 3 डॉट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ ये देखिए बहुत ध्यान से आप लोग बार के बात करेगा फेस सेटिंग, यहीं पे आप लोग का सबसे मेन आप लोग कर नहीं पाते। तो यहाँ से पेस्ट हो गया, एंड एक ही क्लिक में आपको फ़ोटो देख सकते हैं किस लेवल से किस लेवल चल गया है। तो ये प्रीसेट देखिए आप लोग को सब कुछ प्रीसेट देता है, जो ये वाला प्रीसेट है ना भाई बहुत तगड़ा प्रीसेट, आप लोग ना यूज करके एक बार देखिएगा कितना खतरनाक इससे आप लोग का सीवी एडिटिंग होगा। उसके बाद आप लोग को करना कुछ नहीं, यहाँ से आप लोग को डायरेक्ट इसको शेयर कर देना है अपने पिक्सआर्ट ऐप में। एंड पिक्सआर्ट ऐप में कुछ नहीं करना है, यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है, यहाँ आप लोगों को ये जो फिल्टर इफेक्ट वाला आइकन पर क्लिक कर देना है। एंड आप लोग को जस्ट ऐसे आप लोग को स्क्रॉल करते जाना है, यहाँ आप लोग को चले जाना है ये जो कलर वाला आइकन है, कलर वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। एंड उसके बाद आप लोग को यहाँ से अपने बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके आप लोग को जो कलर करना है वो कर सकते हैं। एंड हमारा जो है आप लोग को ये मतलब जो दूसरा का कलर है वो अलग रहेगा। एंड उसके बाद आप लोग को जहाँ ये वाला जो कलर जहाँ नहीं मिला है वहाँ पर आप लोग को सिलेक्ट टूल की मदद से मिला देते हैं। एंड ये हमारा मिल चुका है कुछ इस प्रकार का। उसके बाद आप लोग को टूल पर क्लिक करके स्विच करके आप लोग को अपने हेयर को भी ज़रा सा इंक्रीज कर देना है, उसके बाद सिलेक्ट कर देना है। यहाँ तक तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके समझ आ चुका है बैकग्राउंड कितना तगड़ा हो चुका है, एंड फेस देख सकते हैं कितना तगड़ा हो चुका है। तो यहाँ तक ले आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ आ चुका होगा, नहीं समझ आएगा वीडियो को बैक करके आप लोग वॉच कर लीजिएगा। और उसके बाद आप लोग को कुछ नहीं करना है, यहाँ से आप लोग को इसको करना है डाउनलोड। एंड डाउनलोड करने के बाद आप लोग को जस्ट यहाँ पर आप लोग को टूल्स वाले आइकन पर जाके रिमूव वाले आइकन पर जाके यहाँ से आप लोग को अपने करना है जो पर्सन है उसको सिलेक्ट कर देना है। एंड जैसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ जैसे वैसे ही करना है, तो आप लोग को नीचे का पार्ट नहीं करना है। और उसके बाद यहाँ से आप लोग को रिमूव वाले आइकन पे क्लिक करके रिमूव कर देना है। तो यहाँ तक आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ आ चुका होगा, तो रिमूव कर देना है। एंड उसके बाद आप लोग को कुछ नहीं करना है, यहाँ से रिमूव हो चुका है बहुत अच्छी तरीके से, उसके बाद सिलेक्ट कर देना है। एंड सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा बहुत आराम से देखिएगा, आप लोग को यहीं से आप लोग समझ नहीं पाते हैं। तो आप लोग को इफेक्ट वाले पे क्लिक करके आप लोग को जस्ट आर्टिस्ट पे चले जाना, और ये फेदर वन पे क्लिक करना है। आप लोग के उस पीछे साइड होगा इधर होगा, और इसमें इस साइड है क्योंकि ये अपडेट वाला है, इस पर क्लिक करके आप लोग को जस्ट यहाँ पर मैनुअल पे क्लिक करके इसको पूरा कम कर देना है। एंड यहाँ से आप लोग को सिलेक्ट कर देना है। एंड उसके बाद आप लोग को यहाँ से टूल्स वाले आइकन पे नहीं इफेक्ट वाले आइकन पे चले जाना है, यहाँ पर ब्लर वाले आइकन पे क्लिक कर देना। एंड इसी में देखिए पिक्सआर्ट में सब कुछ है, बस आप लोग को देखना है। उसके बाद इरेज वाले आइकन पर क्लिक करके नीचे का जो ब्लर इरेज कर देते हैं, तो हमारा जो है फोटो रूम वोटो रूम की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर आप लोग को। तो ऐड फोटो पर क्लिक कर देना है, एंड ऐड फोटो पर क्लिक करने के बाद आप लोग को जो फ़ोटो डाउनलोड किए उसको डन कर देना है।
एंड फुल स्क्रीन कर देना है। एंड उसके बाद आप लोगों को रिमूव BGMI पे क्लिक करके रिमूव बैकग्राउंड कर देना है। एंड रिमूव करते ही आप लोग का फ़ोटो देख सकते हैं, अभी दूसरे ये दिखाते हैं आप लोगों को, करते ही कितना तगड़ा हो चुका है। एंड जो अननोन पार्ट है उसको थोड़ा सा मिटा देते हैं आप लोग को, ज़्यादा नहीं, बस यहाँ से आप लोग ये भी करेंगे तो आप लोग को फोटो रूम में भी इतना दिक्कत देगा कि आप लोग का थोड़ा बहुत पार्ट छोड़ देगा। एंड यहाँ तक तो आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ आ चुका होगा। एंड बहुत आसानी तरीके से क्रॉप वाले आइकन पे क्लिक करके वीडियो फोटो ज़्यादा बड़ा है उसको करते हैं सिलेक्ट। उसके बाद आप लोग को यहाँ से ऐड इमेज पे क्लिक कर देना है, और हम जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे लेंगे, आप लोग जाएगा डाउनलोड कर लीजिएगा। और देखिए जितना भी प्रीसेट वीसेट है सारा कुछ हम एक ही फाइल में डाल दिए हैं। एंड आप लोग डाउनलोड करते रहिएगा, सब्सक्राइब कर देंगे तो पूरा फाइल ही खुल जाएगा, तो आप लोग आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड उसके बाद आप लोग को स्टिकर पे क्लिक करके आप लोग को जस्ट रेड लाइट को क्लिक करके आप लोग को इस कर देना है। उसके बाद आप लोग को इफेक्ट वाले आइकन पे क्लिक करके जस्ट कलर पे जाके आप लोग इसको यहाँ से आप लोग को ये वाला क्लिक करके जस्ट इसको ब्लैक कर देना है। एंड ब्लैक करने के बाद आप लोग को जहाँ जहाँ आप लोगों को अच्छा लगे वहाँ वहाँ आप लोग को इसको लगा देना है। लगाने के बाद सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आप लोग को टूल्स वाले आइकन पे क्लिक करके इफेक्ट वाले आइकन पे क्लिक करके जस्ट आप लोगों को ब्लर वाले आइकन पे चले जाना है। एंड ब्लर मार के आप लोग को इसको इनविट कर देना है। एंड आप लोग को इसी को बस ब्लर कर देना है। तो यहाँ तक तो आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ आ चुका है। एंड बैकग्राउंड आप लोग बनाना सीख गए हैं। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, जस्ट यहाँ पर डाउनलोड वाले आइकन पे क्लिक करके आप लोग को जस्ट चले जाना है अपने LR ऐप में। एंड LR ऐप में आप लोग को शेयर करते हैं। उसके बाद आप लोग का नोटिफिकेशन आ गया है। एंड उसके बाद आप लोग को फोटो में चले जाना है। एंड बारीकी से वॉश करना है, यहाँ से करना क्या है, कलर्स वाले आइकन पे जाके आप लोग को फेस टोन जैसा भी चाहिए, देखिए इतना वाइट चाहिए या इतना वाइट या रेड चाहिए, तो इतना वाइट चाहिए और इसको करते हैं फुल। एंड यहाँ से करते हैं डन। एंड डन करने के बाद आप लोग को यहाँ पर देखिए लाइट को आप मतलब कलर को अपने हिसाब से कर सकते हैं, ये वाला कलर, ये देख सकते हैं तीनों कलर है। उसके बाद आप लोग को इसको रेड कर देना है। एंड इसको आप लोग को थोड़ा सा ज़्यादा लाइट कर देना है। एंड डन कर देना है। एंड उसके बाद आप लोग को लाइट पे जाके आप लोग को बैक को ब्लैक को कम कर देना है, वाइट को भी कम कर देना है, ज़्यादा नहीं, शेडो को कम कर देना है और हाईलाइट को और कसा कम कर देना है, ज़्यादा नहीं। उसके बाद आप लोग को इफेक्ट वाले आइकन पे जाके आप लोग को इसको भी कम कर देना है। एंड उसके बाद आप लोग को यहाँ से करना है फोटो को डन। और उसके बाद आप लोग को नेक्स्ट वीडियो देख लेना फेस स्मूथ का, यहाँ से आप लोग को क्या करना है रिमनी मारकर फेस स्मूथ कर देना है। एंड इसके पहले जो वीडियो डाले उसमें बताएं कौन सा ब्रश यूज करके आप लोग फेस स्मूथ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, तो यहाँ पर आप लोग का ऊपर की साइड में थ्री डॉट का ऑप्शन आएगा यहाँ पर इस साइड में, या इस साइड में 3 डॉट का ऑप्शन आएगा, उस पर आप लोग का वीडियो शो होगा, लिंक शो होगा, उस पर आप लोग क्लिक करिएगा और वीडियो को वॉच कर लेगा स्मूथ करने का, तो आप स्मूथ भी कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही।